जितने भी स्पेस मिशनों को लॉन्च किया जाता है वो स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए या फिर कहें ट्रैवल करने के लिए फ्यूल का यूज़ करते हैं, और इसलिए स्पेसक्राफ्ट में काफ़ी लिमिटेशन भी होती है। लेकिन क्या हो अगर हमें स्पेस में ट्रैवल करने के लिए किसी तरह का कोई फ्यूल का ज़रूरत नहीं हो, और ऐसा पॉसिबल है सिर्फ सोलर सेल टेक्नोलॉजी से। सोलर सेल स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशन ला रहा है, और इसकी शुरुआत 1608 में हुई थी जब कैपलर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ये स्पेस में ट्रैवल करने वाले हमारे पुराने मेथड से काफ़ी इफ़िशियंट है, क्योंकि सोलर सेल टेक्नोलॉजी से हम लाइट के 10% स्पीड को अचीव कर सकते हैं, और ये करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस वीडियो में हम ना सिर्फ सोलर सेल के बारे में बात करेंगे, बल्कि तीन ऐसे मेजर प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला है, इनफैक्ट कर भी रहा है। सोलर सेल एक पतला सा सीट होगा जो कि सोलर फोटोन का यूज करेगा टू ट्रैवल इन स्पेस। सोलर सेल एक पतला सा सीट है जो सोलर फोटोन का यूज करके स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। सोलर सेल फ्यूल के यूज को एलिमिनेट कर देता है, मतलब कि ये स्पेसक्राफ्ट के वेट को भी कम कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। हम फ्यूचर में अपने सोलर सिस्टम से बाहर दूसरे सोलर सिस्टम पर भी मिशन भेजने को प्लान कर रहे हैं, और ये सब पॉसिबल है सिर्फ सोलर सेल टेक्नोलॉजी के कारण। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम अपने गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे, ना ही सिर्फ गैलेक्सी के बारे में बल्कि अपने यूनिवर्स के बारे में भी। अगर हम स्पेसक्राफ्ट को अपने सोलर सिस्टम से बाहर भेजने लगे तो हम ये पता लगा सकेंगे कि क्या बाहर भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्या और भी अर्थ लाइक प्लैनेट है। एंड बिलीव मी, दिस कुड चेंज द वर्ल्ड एंड इट ऑल स्टार्ट विथ सोलर सेल। अभी सोलर सेल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज पे है, और इसलिए इसका यूज़ हम लोग छोटे मोटे स्पेसक्राफ्ट में करते हैं, बट इन फ्यूचर हम लोग इस टेक्नोलॉजी से स्पेस शिप भी बना सकेंगे जो ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगहों तक ले जा सकेगा। आई नो इट ऑल साउंड साइंस फिक्शन, बट बिलीव मी, दिस इज हैपनिंग नाउ। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा और द प्लेनेटरी सोसाइटी तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें सोलर सेल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा रहा है, और अब हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं नासा के प्रोजेक्ट से। नासा आर्टमिस 1 मिशन के साथ NEA स्काउट नाम का एक मिशन लॉन्च किया था जो कि सोलर सेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। ये मिशन स्पेस में जाकर हमारे धरती के आसपास जितने भी एस्टेरॉयड घूमते हैं उसको एक्सप्लोर करने लगा है, क्योंकि नासा का मानना है कि एस्टेरॉयड हमारे धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए वो हमेशा से ही एस्टेरॉयड पर नज़र बनाए रखता है। और अब NEA स्काउट टेक्नोलॉजी से वो काफ़ी इजीली नियर अर्थ एस्टेरॉयड पर नज़र बनाए रख रहा है। ये मिशन पूरे 2 साल तक काम करेगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये हमें सोलर सेल के बारे में काफ़ी कुछ बता कर जाएगा। एंड बाई यूजिंग दिस डेटा वी कैन इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी। सोलर सेल टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा प्रोजेक्ट है जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा का, जिसका नाम है इकारोस। इकारोस दुनिया का पहला सोलर सेल टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरप्लेनेटरी स्पेस ट्रैवल को अचीव कर चुका है। इसे मई 2010 में लॉन्च किया गया था जो वीनस का फ्लाईबैक कर चुका है। इसे बस ये पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था कि क्या सोलर सेल सनलाइट से पावर जनरेट कर सकता है या नहीं। और अब तक हम सोलर सेल टेक्नोलॉजी के बारे में जितना जानते हैं उसमें से इस मिशन का डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है द प्लेनेटरी सोसाइटी का लाइट सेल 2 प्रोजेक्ट। जिन्हें प्लेनेटरी सोसाइटी के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दूं कि प्लेनेटरी सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980 में कार्ल सैगन के द्वारा फाउंड किया गया था। अब आते हैं लाइट सेल 2 मिशन पर। लाइट सेल 2 मिशन को 23 जुलाई 2019 को
SpaceX के फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन का गोल ये पता लगाना था कि क्या हम किसी क्यूबसेट में सोलर सेल को एज अ प्रोपल्सन यूज कर सकते हैं या नहीं। और ये मिशन काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसने बता दिया डैट इट इज पॉसिबल। मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको और भी बताना चाहता था बट ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।